स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी वर्ष समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 275 विद्यार्थियों का आज रसोई वेंकट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। उन्हें इस अवसर पर अनेक प्रकार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। टॉप 11 में अधिक अंक अर्जित करने वाले हर्षिनी अग्रवाल, वैभव प्रजापति, मनन सुराणा, चित्रांशी, तन्वी करवा, लक्ष्य पारासर, अवनीश यादव, अनिरुद्ध शर्मा, मानस सेठी, कृतिका वरियानी, श्रेया खंडेलवाल, गौरव कृष्णिया को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें आयोजन समिति की ओर से अजमेर के इतिहास पर लिखी पुस्तकें अजमेर एट ए ग्लांस, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, श्रीफल और नकद पुरस्कार शामिल रहे। समारोह के मुख्य वक्ता कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विद्यार्थी अपने भावी जीवन के लक्ष्य को ऐसा चुने जिसमें सफलता अर्जित करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस उपलब्धि को सफलता की पहली सीढ़ी मानते हुए भविष्य की राह तय करें। इस अवसर पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी विनीत लोहिया ने प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और खेलों को अभिन्न अंग बनाकर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मैदानों पर गुजारे। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने कहा कि यह समय सोशल मीडिया के दौर का है। हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव सामग्रियां उपलब्ध हैं। इसमें से पॉजिटिव को किस तरह आगे रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस पर एकाग्रता के साथ मंथन करते हुए आत्मसात करना होगा। उन्होंने संकल्प और समय की प्रतिबद्धता के प्रति सामंजस्य बनाकर अपनी भावी जीवन की राह तय करनी होगी। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी अपने जीवन में आत्मसात करें और विद्यार्थियों को इतिहास की जानकारी के साथ वीर महापुरुषों के जीवन की प्रेरणादायी प्रसंगों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के लुप्त होते खेलों को पुनः जागृत करने की दिशा में उन खेलों के प्रति अपना समय देकर पुनः लोकप्रिय बनाएं। समारोह में समाजसेवी और उद्योगपति रामचंद्र गुलाबाणी, साईं बाबा मंदिर ट्रस्टी महेश तेजवाणी और सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्ष दिशा कृष्णानी ने भी आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी हृदयराम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच का संचालन संयोजक हरिचंद्रनानी ने आभार प्रेम केवल रमानी ने प्रकट किया। समारोह में MT वाधवानी, प्रभु ठारानी, IG बंबाणी, प्रकाश जेठरा, मुकेश आहूजा, रितु मोतीरामानी, नानक राम राय सिंगानी, रमेश टिलवानी सहित सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से एवं साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के आशीर्वाद से ये पिछले 2004 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 10वीं कक्षा के बच्चे और 12वीं कक्षा के बच्चे, जिनकी पहले 75% आती थी, उन्हें सम्मानित करते थे, क्योंकि इस बार बच्चों की परसेंटेज काफ़ी बढ़ गई, तो इस वर्ष हम लोगों ने बैठ के जो तय किया कि 80% से ज़्यादा आने वाले बच्चों को हम लोग सम्मानित करें। और इस सम्मान को आज 34वां ये सम्मान समारोह है। ये 34वें सम्मान समारोह में हमारे मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और निश्चित रूप से हम लोगों को आगे प्रेरणा देने वाले महेश तेजवानी जी, जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और निश्चित रूप से मेरे पीछे हमेशा एक प्रतिबिंब के रूप से खड़े होकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में आपका विशेष सहयोग रहा है, और कार्यक्रम के अंदर हमेशा पीछे रहते हुए हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले महेश तेजवानी जी, आप ही के साथ में हमारे बड़े दादा रामचंद्र गुलाबाणी जी, जो कि साईं बाबा मंदिर से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और उद्योगपति हैं, और निश्चित रूप से आपका भी आशीर्वाद हमें हमेशा प्रेम के साथ में मिलता है, और उनको बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करते हुए उनको स्वयं बहुत खुशी होती है। पूरे दिन भर अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं आपने आधा या 1 घंटा अपने हेल्थ के प्रति नहीं निकाला।
ये अभी आपको पता नहीं पड़ेगा, यंग एज है, उभरती उम्र है, अभी आप उसको सब सही कर लेंगे, लेकिन आने वाला समय, ठीक है, उपलब्धियां आपके साथ है, पढ़ाई आपके साथ है, सब कुछ है, भविष्य आपको निर्धारित करना है, तो जरूर है पढ़ाई, लेकिन मेरा इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चों को और बच्चों से अधिक उनके पेरेंट्स को ये आह्वान है कि आप अपने बच्चों को कम से कम एक घंटा उनके हेल्थ के लिए निकाल के दें। अभी कैसे निकाल के दें ये आप लोग, बच्चों को जल्दी उठाना है या ट्यूशन में कोई गैप देना है या शाम को कुछ ऐसा समय है कि जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा लैपटॉप में या कहीं बैठा हुआ है, तो उसमें से खींच के उस बच्चे को खुले मैदानों में, खुले ग्राउंड्स पर आप भेजें। आज के 5 साल बाद 10 साल बाद अजमेर को चलाने वाले, अजमेर के जो बुद्धिजीवी हैं वो आप सब लोग, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बेशक पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इसलिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मेमोरी कैसे शार्प करनी चाहिए, अंक कैसे ज़्यादा लाए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। उल्टा मैं तो कहता हूं कि मेरे से भी ज्यादा आपको जानकारी है। जो भी लक्ष्य आपने जीवन में निर्धारित किए हैं वो निश्चित रूप से आप प्राप्त करके न सिर्फ अपने परिवार विद्यालय परंतु अपने समाज का भी नाम गौरवान्वित करेंगे, ऐसे मुझे आप सबसे अपेक्षा भी है। आने वाले समय के आप भविष्य हैं, निश्चित रूप से जहां पर भी जिस भी ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे अजमेर शहर को सदैव याद रखेंगे और सदैव सेवा के लिए समर्पित अजमेर के लिए रहेंगे।